हेलो फ्रेंड, मैं रुचि और मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो आपने फ्रेंच फ्राइज़ तो कई बार खाया होगा और व्हाइट सॉस भी खाया होगा, लेकिन क्या आप फ्रेंच फ्राइज़ को व्हाइट सॉस के साथ खाए हैं? तो चलिए, आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज़ विथ क्रीमी व्हाइट सॉस। तो बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम यहाँ सॉस बना लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें 2 क्यूब्स बटर डाल के इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए मेल्ट हो गया है। अब इसमें 2 चम्मच मैदा डाल के या कॉर्नफ्लोर डाल के इसको तब तक भूनें जब तक ये ब्राउन हो जाए, इसका कच्चा पन्ना हट जाए, तब तक इसको भूनना है। तो ये देखिए भुन गया है, मैदे में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। इसको दूध ऐड करते हुए बराबर चलाते रहिए जिससे इसमें लम्स ना पड़े। तो ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करते जा रहे हैं और इसको इस तरह चलाते जा रहे हैं। तो मैं पहले भी व्हाइट सॉस की कई रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। इसको बनाना बिल्कुल सिंपल है, आप इसे बना के 1 हफ्ते के लिए फ्रिज पे आराम से रख सकते हैं। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ऑरिगेनो। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये सॉस रेडी है। अब चलते हैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने। तो यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ की आलू ली है जिसका छिलका निकाल दिया है, और ये फ्रेंच फ्राइज़ कटर लिया है, इसमें से आलू को कट कर लेंगे। अगर ये नहीं है तो आप चाकू से भी इसी साइज़ के आलू कट कर लीजिए। और ये देखिए हमने यहाँ आलू को कट कर लिया है। अब इसको 1 से 2 बार अच्छे पानी से वॉश कर लेंगे जिससे इसका स्टार्च जो है वो निकल जाए। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें आलू को पलट देंगे और ढक के 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। यहाँ हमें आलू को सिर्फ इतना पकाना है जिससे कि उसके अंदर भाप बन जाए, आलू आसानी से कोल्ड हो जाए। अब ये देखिए गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ हमने 1 मिनट से भी कम टाइम लिया है इसको पकाने के लिए। अब इसको स्टेन कर लेंगे, और हमने जब तक यहाँ ऑयल गर्म करने के लिए भी रख दिया है। ये देखिए आलू के अंदर भाप बन गया है। अब इसको एक मिक्सिंग बाउल में पलट लेंगे। आलू को कोट करने के लिए 1.5 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें हल्का सा नमक ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो कभी अगर हम बिना पकाए हुए आलू को कोट करते हैं ना, तो उसका मिक्सचर फ्राई करते टाइम अलग हो जाता है या कढ़ाई में चिपक जाता है, इसलिए आलू को हल्का सा उबाल लेते हैं। और ये देखिए अच्छे से कोट हो गया है, इधर ऑयल भी गर्म है। अब ऑयल में डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखें। इसको तुरंत ना चलाएं, जब आपको लगने लगे कि ये हल्का पक गया है तभी चलाइए। और ये देखिए एक एक फ्रेंच फ्राइज अलग अलग हैं, कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। अब ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और इनको निकाल लेंगे, बाकी बचे हुए भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंच फ्राइज भी रेडी हैं। अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहें तो एक बार ऑयल को फिर से हाई फ्लेम में गर्म कर लें और फ्रेंच फ्राइज़ को दोबारा फ्राई कर लें, ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। फिर आप इसे सॉस या मसाले के साथ खा सकते हैं, लेकिन हमें इसे व्हाइट सॉस के साथ खाना है तो इसलिए चलिए बनाते हैं। तो यहाँ एक पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा बटर, इसे मेल्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ अमूल बटर यूज किया है जो सारे इंग्रेडिएंट्स को बैलेंस कर देता है। अब इसमें व्हाइट सॉस आधा ही डालेंगे। अब फ्रेंच फ्राइज, आप चाहें तो फ्रेंच फ्राइज़ के कितने भी लेयर बना सकते हैं और अपनी फेवरेट सब्जियों को भी पका के ऐड कर सकते हैं। अब ऊपर से बचा हुआ व्हाइट सॉस भी ऐड कर देंगे। ये तो सिंपल ही बहुत टेस्टी लगता है, इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा बटर, ये हमने यहाँ विल ग्रेट कर दिया है, और थोड़ी सी ऊपर से मोजरेला चीज़, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिए।
फिर ऑरिगेनो, अब ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करिए, और ढक के 1 मिनट के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें या इसको लो ही कर दीजिए। हमें सिर्फ मोजरेला चीज़ को बटर के साथ मिक्स करना है। और अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए, हमारे फ्रेंच फ्राइज विथ व्हाइट सॉस रेडी है। तो चलिए हम चलते हैं इसकी प्लेटिंग करने, और आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि ये नई डिश कैसी लगी। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और वेट करें इसी तरह के नए वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।